और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। दूसरे चरण के ट्रायल में ये सुरक्षित पाई गई है, कोवैक्सीन ट्रायल में सुरक्षित पाई गई और इसका कोई साइड इफेक्ट फिलहाल नहीं दिखाई दिया है। एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहने का दावा किया गया है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है। तो कोवैक्सीन से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहने का दावा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, भारत बायोटेक ने इसे तैयार किया है। लगभग एक साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। अब जब वैक्सीन से उम्मीद बंधी तो वायरस ने अपना रूप ही बदल लिया है। कोरोना वायरस के इस नए रूप को दुनिया पर सबसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पिछले वायरस से ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा खतरनाक है। पुराना वायरस बुजुर्गों को ज्यादा खतरा था उससे, लेकिन ये जो नया कोरोना वायरस है ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। ब्रिटेन का यह हाल देखिए, सड़कें सूनी हैं, बाजार बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं, भीड़ अगर कहीं है तो वो जगह है अस्पताल। ब्रिटेन लॉकडाउन में है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना वायरस का नया रूप। कोरोना वायरस का म्यूटेशन ब्रिटेन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दरअसल ये नया वायरस खास उम्र के लोगों पर ज्यादा बुरा असर डाल रहा है। सवाल ये है कि नया वायरस किसके लिए ज्यादा खतरनाक है, बुजुर्ग, युवा या बच्चे? इस सवाल का जवाब आपको बताएं, उससे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। ये हैं डॉक्टर नील फर्ग्यूसन, उम्र 52 साल, ये प्रोफेसर हैं इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। इनकी खासियत है कि ये महामारी वाली बीमारियों के जानकार हैं। इनका एक उपनाम भी है, प्रोफेसर लॉकडाउन। प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन वायरस या उससे फैलने वाली महामारी की जानकारी रखने वाले कुछ सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं। उन्होंने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर जो बात कही है वो पूरी दुनिया को डराती है। उन्होंने अभी तक की अपनी रिसर्च में कुछ ऐसा देखा है जो आपको भी जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के जिन क्षेत्रों में वायरस के नए रूप वाले मामले सामने आए हैं उनमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या ज्यादा है। मतलब यह है कि कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों पर सबसे ज्यादा असर कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस का पुराना स्ट्रेन बुजुर्गों पर ज्यादा बुरा असर डालता था, लेकिन इस बार खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि उसके निशाने पर बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। देखिए, ये नया स्ट्रेन जो अभी तक जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसमें इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ी है, पर इसकी जो मारने की क्षमता है, जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, वो उतने का उतना ही है। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे हैं वो कैरियर ज़्यादा हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होता है, उनमें मोर्टैलिटी बहुत कम होती है। इसलिए वरी करने की बात नहीं ना, पैनिक होने की बात नहीं ना, बट हाँ, बच्चे अब ज़्यादा कैरियर हो सकते हैं और इसको स्प्रेड करने में एक इफिशियंट टूल हो सकते हैं। नया कोरोना वायरस इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पुराने वायरस की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। जानकारों के मुताबिक ये वायरस 70% तक तेजी से फैलता है। अगर हम इस न्यू वेरिएंट की बात करें तो इसका आर नॉट जो है वो इससे ज्यादा है, जो अभी करंट वायरस है उससे ये 0.6 के नंबर से ज्यादा है। इसका ये मतलब कि ये एक व्यक्ति से अगर दो व्यक्ति में फैलना होगा तो ये 3 से 4 में फैलेगा, तो इसलिए ये समाज में ज्यादा जल्दी फैल सकता है और इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं। कोरोना वायरस को समझने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक नए स्ट्रेन के आने से या कहें कि वायरस में म्यूटेशन होने से वैक्सीन की इफिकेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपका जानना जरूरी है कि दुनिया में बन रही किसी भी वैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर नहीं किया जाता है, और अगर कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा बुरा असर डाल रहा है तो समझ लीजिए कि ये खतरा इतना बड़ा क्यों। अब सवाल यह है कि कोरोना का नया वायरस बच्चों पर ज्यादा बुरा असर क्यों दिखा रहा है, जबकि पिछले वायरस ने बुजुर्गों या फिर पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे मरीजों पर ज्यादा असर दिखाया था। तो इस मामले में डॉक्टर फर्ग्यूसन कहते हैं कि बच्चों में वयस्कों की तुलना में ACE2 रिसेप्टर कम होते हैं, इसके जरिए वायरस अपना जाल बिछा रहा है। ACE2 रिसेप्टर की भूमिका पर नया अध्ययन करना होगा। अब आप ये समझना चाहते होंगे कि ACE2 रिसेप्टर क्या होते हैं। पहले आपको ये समझना होगा
कि ACE2 रिसेप्टर बच्चों के शरीर में कम सक्रिय होते हैं और बड़ों में ज्यादा सक्रिय होते हैं। शरीर का ACE2 रिसेप्टर वायरस का वाहक होता है। वायरस इसी के जरिए शरीर में पहुंचता है। शरीर में पहुंचकर वायरस लगातार बढ़ता है। नया वायरस कम ACE2 रिसेप्टर के जरिए भी शरीर में पहुंच रहा है, इसीलिए ये बच्चों पर ज्यादा असर दिखा रहा है। पुराना वायरस ACE2 रिसेप्टर कम होने पर असर नहीं दिखाता था। इस मामले में लगातार रिसर्च हो रही है, इसीलिए अभी साफ करना मुश्किल है कि ये वायरस बड़ों पर कैसा असर दिखाएगा और बच्चों पर कैसा। लेकिन इतना तय है कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बार ये बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डालेगा। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।